नमस्कार, जयपुर में कपड़ा व्यापारी को डमी बम बेचकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला नौकर और उसकी प्रेमिका से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। डमी बम बनाकर अपने मालिक को धमकाने वाला नौकर पांच के पास निकले और उसने यूट्यूब से वीडियो देखकर उसे बम बनाने का आइडिया आया था। गिरफ्तार हुआ निस पहले से इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत काम जानता था और इसी का फायदा उसने उठाया और डमी बम तैयार कर लिया। इधर प्रेमिका वाले मामले में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिसे वह अपनी महिला मित्र बता रहा था वह उसकी साली की बेटी निकली है। इस पूरे मामले पर जवाहर नगर थाना अधिकारी पन्नालाल ने बताया कि अनीस अहमद उम्र 40 साल और उसकी प्रेमिका सुवालिया उम्र 19 साल ने मिलकर व्यापारी से फिरौती मांगने का पूरा प्लान बनाया। व्यापारी को धमकी भरा बम देने के बाद दोनों अजमेर भाग गए थे और वहाँ से दोबारा जयपुर आ गए। अनीस ने ही सवालिया को जल्द रुपये कमाने के लिए योजना में शामिल किया था क्योंकि इसके प्रेमिका पर केवल 15,000 रुपये का कर्जा था। गिरफ्तार हुआ अनीस अहमद बहुत सातिर चोर है और वह मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह 4 बच्चों का पिता है और पिछले 15 सालों से जयपुर में रहता है। उसके प्रेमिका सवालिया सालिक लड़की है। पत्नी को छोड़कर अनीस प्रेमिका के साथ जयपुर में रहता है और आरी-तारी का काम करता था। व्यापारी के शोरूम में बम पहुंचाने के बाद अनीस व्यापारी के पास पहुंचा और उसे टेंशन में देखकर बोला कि सेठ जी क्या हुआ। तब व्यापारी ने धमकी के लेटर और फिरौती मांगकर बम से उड़ाने की यह पूरी बात बताई। इसके बाद अनीस ने उसे पुलिस के पास जाने की भी सलाह दी लेकिन व्यापारी ने डर के कारण मना कर दिया था। बाद में अनीस अपनी प्रेमिका को लेकर अजमेर चला गया और उससे 1,000 रुपये भी फोन पे डलवा लिए थे और उसके बाद वे पकड़े जाने के डर से वापस जयपुर आ गए थे। पुलिस को सीसीटीवी से रिक्शे वाले का पता लगा और वहाँ से ही बुरके वाली महिला का भी पता लग गया था। अनीस और उसकी प्रेमिका सुवालिया दोनों साथ में ही थे। दोनों पुलिस को फुटेज में आते जाते हुए दिखाई दिए थे। इससे पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली थी। इसके अलावा पुलिस ने व्यापारी को भी अनीस से लगातार बात करते रहने की सलाह दी थी ताकि अनीस को शक ना हो। और इसके बाद पुलिस ने अनीस अहमद और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया।